चलिए हम लोग पिछले क्लास में जो चल रहे थे इसमें बौद्ध दर्शन चल रहे थे और आपको हम बताए थे बौद्ध दर्शन सबसे किसके निकट है, सांख्य दर्शन के निकट है। क्या बौद्ध दर्शन में ईश्वर माना गया है? नहीं माना गया है। क्या बौद्ध दर्शन में आत्मा माना गया है? नहीं माना गया है। कर्म पुनर्जन्म जल्दी बोलो, दोनों को माना गया है। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट चल रहे थे कि बौद्ध धर्म में तीन रत्न है, त्रिरत्न। त्रिरत्न याद है सबको, बुद्ध धर्म और संघ। इसके बाद देखिए इसमें चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है, याद है सबको। और तब हम लोग चले थे कौन सा, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। और यही अष्टांगिक मार्ग से आज का क्लास आपको लिखना था। अष्टांगिक का मतलब होता है आठ रास्ते हैं, जिस रास्ते पे चलते हुए आप दुख का निदान कर सकते हो। और इस आठवें रास्ता में आपको बताए थे कि सभी में आगे क्या लगा हुआ है, सम्यक। देखिए आठवें में आगे क्या लगा हुआ है, सम्यक। सम्यक सभी में एक शब्द है, सम्यक। सम्यक का मतलब सही होता है, व्यापक अर्थ इसका है। और सम्यक में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला क्या था, सम्यक संकल्प। पहला नंबर क्या है, सम्यक संकल्प, सुनिएगा ध्यान से, सम्यक संकल्प। इसके बाद था सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक या सम्यक वान कहते, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि और एक सम्यक स्मृति। ध्यान दीजिए आठ रास्ते हैं, आठों रास्ता कैसे ध्यान रखोगे, अभी तो जस्ट लिखा देंगे तो रट के भी याद नहीं होगा, भूल जाओगे। आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति देख रहे हो, ध्यान दो, ये जो व्यक्ति देख रहे हो, ये व्यक्ति, ध्यान दीजिए, सुनाओ या ले थोड़े से मुंह मिले, ध्यान दो। तो व्यक्ति में ध्यान क्या देना है, पहले दिमाग से चलना है कि आपका सबसे पहला जो स्टेप है, सुनोगे एकदम याद हो जाएगा, पहला ही दिमाग से संकल्प लिया है, सही सही संकल्प लिया है कि हमें ये चीज करना है। उसके लिए जो संकल्प लिया है उसके लिए क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये फिर आंख है। फिर उसी प्रकार से सही सही बोल रहा है तो ये वाक है। फिर ये हाथ से सही सही काम करना है तो कर्म है। कमाने के बाद जो नोट आएगा ये हाथ से रख देना है, ये आजीम का है। नोट उठ रखा गया तो थोड़ा उछल कूद कर लेना है, कसरत है। तब कसरत उसरत के बाद भयंकर समाधि लगा देना है कि बैठ गए आसन पर, ये दूसरे का पहले समाधि के लिए सोचना है और समाधि में कुछ याद करना है वो स्मृति। अब देखो एक बार फिर से सुनेगा, सब सुनो, सब आठों तुरंत याद हो जाए, तुरंत याद होगा तभी याद होगा, घर पर नहीं याद होगा। पहले दिमाग से संकल्प, आंख से दृष्टि, मुंह से वाक, हाथ से कर्म, दूसरे हाथ आजीविका, पैर से व्यायाम, दूसरा पैर समाधि और फिर बैठ के स्मृति। समाधि में बैठ के स्मृति याद करना। अब बोलो जल्दी से, हम इसको हटा दें, बस इनको खाली भेंट कराए। बोलो ऊपर माथा से संकल्प, आंख से दृष्टि, मुंह से वाक, हाथ से कर्म, दूसरा आजीविका, पैर से व्यायाम, एक पैर समाधि और एक स्मृति, खत्म हो। बोलो आपको याद नहीं हो गया, तुमको अब देखा कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं है, पिछले दिन हम दिए थे और उसमें जान के चॉइस दे दिए थे, जैन वाला। जैन धर्म में भी सम्यक लगे, लेकिन जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म। और तुमसे पूछेगा कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं है और देगा सम्यक आजीविका, बी में दे रहा है सम्यक समाधि, जल्दी बोलो, सी में दे दिया सम्यक ज्ञान, जल्दी बोल, और डी में दे दिया सम्यक कर्म। कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं है? हाँ परीक्षा में देखो सब में सम्यक लगा दे, लेकिन जो लड़का पूरे आठों ध्यान रख ले परीक्षा में वही बैठ जाएगा, संकल्प दृष्टि बोली कर्म आजीविका व्यायाम समाधि स्मृति, कहेगा ज्ञान कहां से आ गया, नहीं बोलो रे पकड़ लेगा साहब। हाँ अब चलो तुम करा जाओ, आगे सुनाओ, इन्हें बोल पड़ा आगे दे निकल दे, सब तुरंत याद होना चाहिए तब कॉपी में जाएगा। चलो संकल्प दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक बहुत सुंदर, एकदम देखो सही, बाकी एकदम सही है, पहले टावर धरे तो कहना ही नहीं है। क्या बाकी लोग क्लियर है, लिख दीजिए जल्दी से, अष्टांगिक मार्ग लिख, मार्ग में समय का तो हमारा देख रहा है, अपने से आठ लिख लिया, इतने गधा खाली ताली मारेगा को बताया था, ये अपना हूँ लिखेगा आठ, अपने से दिमाग लगाओ। सम्यक मीन्स होता है सही सही, और सही सही पहले क्या करना है, संकल्प लेना है, फिर देखना है, लिख दिया सर, मूर्खों के लिए लिख दे रहा है, मिला लो, लिखा गया थोड़ा सा, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, आगे तो एकदम क्लियर। अब कभी भी पूछेगा कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं है, कौन है, पकड़ लोगे साहब, चलिए बहुत ही सुंदर। अब यहां से हम लोगों को मेन चलना है बौद्ध संगीति के बारे में, नीचे हेडिंग दे दीजिए बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, कलम रख दे सब कोई, बौद्ध संगीति हेडिंग देने के बाद कलम रख दीजिए और खूब बढ़िया से हमारे साथ समझोगे
चलिए सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। संगीति मीन्स होता है बैठक। संगीति माने क्या है? बैठक। बौद्ध संगीति, गौतम बुद्ध जैसे ही मरे, ध्यान से समझना, गौतम बुद्ध जैसे ही मरे तो एक पहली बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में उनके मृत्यु के बाद बुलाया गया। चूंकि उम्र गए हैं तो अब बौद्ध धर्म में क्या होगा इसके लिए सबको बुलाया गया और इसलिए इसको प्रथम बौद्ध संगीति कहा गया। इसके 100 साल के बाद 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन फिर किया गया। फिर 250 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और फिर ईस्वी पूर्व खत्म हो गया ईसा के प्रथम शताब्दी में, ईसा के प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो बौद्ध संगीति कितने हुए? चार। पहला गौतम बुद्ध के मरते ही 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व, तीसरा 250 ईस्वी पूर्व और चौथा ईसा के प्रथम शताब्दी का मतलब ईस्वी पूर्व खत्म है सीधा सीधा ईस्वी। और देखिए महत्वपूर्ण क्या है, इस बैठक को बुलाने वाले दूसरा कोई नहीं महत्वपूर्ण राजा है, शासक है और इसलिए चूंकि राजा ने स्वयं किसी बैठक को बुलाया है तो वह बैठक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। राजा का नाम कभी भी तुमको कहें तो ध्यान रखना अक्का अक। राजा कौन है? अक्का अक। और स्थान जहां बैठक बुलाए हैं वह ध्यान रखना रावय पाकू। बस बहुत रास्ता सोचते जाएगा अक्का अक रावय पाकू, अक्का अक रावय पाकू, अक्का अक रावय पाकू। अ से अजात शत्रु, बोलो का से काला शोक, अ से अशोक और ग से गणेश। बोलो ये अक्का अक से कहीं आ गया। जगह है रावय पाकू, रा से राजगृह, वह से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडल वन काश्मीर, कुंडल वन काश्मीर। सुना क्वेश्चन आएगा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। फिर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कितने बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में हुआ? बड़ मार मारेगा मुखवा। कितने बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार में हुआ? राजगीर बिहार में ना रे, वैशाली में बिहार में है, पाटलिपुत्र में बिहार में है, कश्मीर बिहार में है। तो आंसर तीन, चॉइस में जान के चार भी दे दे, मुखवा के खाली होगा पाटलिपुत्र टावर धरता है। तुमको एक के बार सब बैठ के सोचना है। राजा का नाम हो गया अक्का अक, पहला राजा अजात शत्रु, दूसरा काला शोक, तीसरा अशोक, चौथा गणेश। इस जो बैठक हुई इस बैठक के कोई ना कोई अध्यक्ष होंगे। बोलो पहला नंबर जो बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन की? तो व्यक्ति का नाम है महाकश्यप। महाकश्यप, आपको पूछा जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया? बोलो, वेरी गुड। सर्व कामणी, दूसरे बौद्ध जो बैठक है इसका अध्यक्षता कौन की? सर्व कामणी। तीसरा नंबर है मोगली पोतिस, मोगली पोतिस और चौथा नंबर है वसुमित्र। देखिए चारों के अध्यक्षता भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन अध्यक्षता किए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए। आखिर बैठक होगा तो कुछ निर्णय भी तो होगा। ये महत्वपूर्ण कार्य क्या हुए? प्रथम बौद्ध संगीति में दो मेन किताब की रचना की गई और वो दोनों किताब गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य ने उसका पाठ किया। इस बैठक में सबसे एक मेन किताब है जिसका नाम है सुतपिटक, सुतपिटक और दूसरे पुस्तक का नाम है विनय पिटक। ये दोनों पिटक का यहां पर वाचन किया गया। विनय पिटक में कैसे बौद्ध भिक्षु को रहना है इस नियम का उल्लेख है। सुतपिटक में गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो सब उपदेश कहां मिलता है? सुतपिटक। और ये दो पुस्तक प्रथम बौद्ध संगीति में वाचन किया गया। सुतपिटक का वाचन गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद, इस आनंद ने किया और विनय पिटक का वाचन इन्हीं के गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली ने किया। देखो गौतम बुद्ध के दो चेला का नाम आता है, एक चेला का नाम क्या है? आनंद, उसने क्या पढ़ा? सुतपिटक। दूसरा चेला कौन है? उपाली, उपाली ने क्या पढ़ा? विनय पिटक। विनय पिटक में है क्या? कैसे बौद्ध भिक्षु रहेंगे उसके नियम कानून कहा है? विनय पिटक। सुतपिटक में क्या है? गौतम बुद्ध के सभी उपदेश का उल्लेख कहा है? सुतपिटक। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा पिटक की रचना नहीं हुआ? सुतपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, कोई नहीं। तो अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई है और यही अभिधम्म पिटक में बौद्ध फिलॉसफी है। जो अभी तुम बौद्ध दर्शन पढ़ रहे हो ये सारा बौद्ध दर्शन कहां पे रचना है? अभिधम्म पिटक। और इस प्रकार पिटक की संख्या कितनी हो गई? तीन। इसी को त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के तीन पिटक है। पिटक माने टोकरी, ध्यान रखो पूछेगा पिटक माने क्या होता है? टोकरी। तीन टोकरी, एक बड़का टोकरी, एक मंझला टोकरी और एक छोटका टोकरी। तीन टोकरी, सबसे बड़का टोकरी कौन है? जल्दी बोलो, सुतपिटक सबसे बड़का टोकरी है, मंझला टोकरी कौन है? अभिधम्म पिटक। सबसे छोटा टोकरी विनय पिटक। तीनों टोकरी पूछेगा कि पिटकों में सबसे छोटा है, क्वेश्चन दे दे। और कोई लड़का सोचता है पिटाई में सबसे छोटा कहा रहा, पिटकों में सबसे छोटा है, आंसर कौन होगा? विनय पिटक। पिटकों में सबसे बड़ा है सुतपिटक। अरे ऐसे ही समझ, सुत जाएंगे तो सबसे ज्यादा जल सकेंगे, तो सबसे बड़ा कौन है? सुतपिटक। और बताओ हमेशा प्रणाम कौन करता? विनय कौन करता? बड़का कि छोटका? छोटका। अच्छा विनय प्रणाम कर रहा था सबसे छोटा, बोलो दिमाग में सिर्फ गया, बस गया मंझल का, अभिधम्म पिटक। बोलो तुमसे पूछा जाए सुतपिटक का पाठ किसने किया? कहना सर पढ़े मैंने, सूते में हमारा बड़ी आनंद आता है, बोर्ड में लगता ही नहीं कि उठे। तो बताओ सुतपिटक का पाठ किसने किया? आनंद ने। चॉइस देखिए पता चल जाएगा। बोलो क्लियर है सबका? द्वितीय बौद्ध संगीति जो देख रहे हो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण घटना है, एक का नाम है थेरवाद, थेरवाद और एक को कहते हैं महासंहिका, महासंहिका। थेरवाद और महासंहिका दो तरह के विचार आए। एक गौतम बुद्ध जो कहे वही परंपरागत सिस्टम चला उसको क्या कहे? थेरवाद। जो थोड़ा बहुत चेंज को भी अलाउ किए उनको क्या कहा गया? महासंहिका। मतलब बौद्ध धर्म में दो बात आया, बुद्ध ने जो कहा चुपचाप वही मानो थेरवाद, और जो कह रहा है कि नहीं कुछ चेंज होना चाहिए वक्त के अनुसार से, देखिए क्या बदलना चाहिए, हम लोग खुद बैठक करके बदल लेंगे, तो वो लोग कह रहा है महासंहिका। मान लो अंबेडकर जी ने संविधान लिखा तो दो तरह के लोग, एक कहेंगे तो अंबेडकर लिख दिया बस चुपचाप उसी पर चली दिमाग मत लगाई, तो ये थेरवाद है। कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग को देखते रहना है कि हम संविधान के अनुसार यदि नहीं चल रहा है या संविधान मेरे अनुसार नहीं चल रहा है तो उसमें जहां जहां परिवर्तन का जरूरत है हम लोग संशोधन भी करेंगे। लोकसभा में बैठेंगे और कहेंगे संविधान संशोधन नंबर इतना अंबेडकर जी ने लिखा था ये, लेकिन अभी हटा के ऐसे किया जाता है।
तो इसको संशोधन के साथ जो स्वीकार कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे महासंघिक। गौतम बुद्ध ने जो कहा चुपचाप वही माने, तो इसको क्या कहें फिर बात, जो परिवर्तन को मान रहे हैं महासंघिक। और सुनिए, सबसे अंतिम कर दिया गणेश, चौथा के बाद लास्ट कर दिया। कारण था कनिष्क के समय बौद्ध धर्म ही दो भाग में टूट गया, एक का नाम पड़ा हीनयान और एक का नाम पड़ा महायान। देखो ध्यान से, कनिष्क के समय दो यान शुरू हो गया, यान माने सवारी, यान माने सवारी, एक सवारी है बड़का सवारी, देखो बड़का सवारी है और ये बड़का सवारी में बस पूरा एकदम पैसेंजर भर सकता है, और एक है छोटका सवारी और छोटका सवारी में जीप है। ध्यान दो, ये छोटका सवारी है जीप, सुनो ठीक से। अब दो गो यान है, यान माने सवारी। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति जब हुई तो इसमें कनिष्क ने कहा कि बुद्ध भगवान है, बाकी लोग हल्ला किया कि गौतम बुद्ध जिंदगी भर चिल्लाए कि भगवान नहीं होते, और बुद्ध के हम भगवान घोषित करते हैं, बुद्ध हमारे गुरु हैं, उन्होंने जो बताया है हमें उस रास्ते पर चलना है, अष्टांगिक मार्ग दस सील हमको उसका पालन करना है। लेकिन अब तुम्हें बताओ, दस सील, गद्देदार बिस्तर पर नहीं सो, सुगंधित पदार्थ का सेवन नहीं करो, अशुभ भोजन नहीं करो, चोरी नहीं करो, संपत्ति संग्रह नहीं करो, ये सब आसान है कि कठिन है? कठिन है। राजा क्या कह रहा है, करे सब चीज करो, बुद्ध भगवान है, खाली उन्हीं पर जल चाहो, टीका लगाओ, बस मामला क्लियर, सुबह सुबह उनका पूजा करो, बाकी जी कर रहे हो सब ठीक है ठाक। तो एक बुद्ध को भगवान माने, एक बुद्ध को गुरु माने, ज्यादा लोग को अच्छा कौन लगे, भगवान वाला कि गुरु वाला? गुरु वाला मानेगा तो आठ रास्ता दस सील उस पर चलना, भगवान वाला मानेगा तो खाली भोरे भोरे पांच मिनट घंटी डाला के टीका उठा कर लेना है, दिन भर जो करना है करते रहो, दिन भर झूठ बोलो कोई बात नहीं, दिन भर जितना खाना है मर्दों कोई बात नहीं है, जितना धन संग्रह करना है कर लो, ये भगवान है इनका पूजा करो काम करो। ज्यादा लोग किधर आए, जल्दी बोलो भगवान तरफ, ये आसान ना है जी, ये आसान है, और इसीलिए ये वाला सवारी हाउसफुल होगी। ध्यान दे, ये बस में पैसेंजर अपने से बोला कि बोलिए भगवान तरफ कौन कौन है, ये गाड़ी पर चढ़ जाइए, और ये गाड़ी पर एकदम ऊपर से नीचे तक लद गए, और गुरु तरफ कौन कौन है, ये गाड़ी पर चलिए, तो मैं खाली नीचे ही रहा, तो सब कहा कि हम लोग बड़का यान है महायान, वो छोटका यान है हीन यान। देखो छोटका वाला का नाम है हीन और बड़का वाला का नाम है महा, तो महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा होने लगी। जो बुद्ध जिंदगी भर चिल्लाए कि कर्मकांड नहीं करना है, टीका उतना नहीं करना है, ये लोग बुद्ध के भगवान बना के बड़का टीका उन्हीं को मारने लगा। जो बुद्ध जिंदगी भर चिल्लाए कि भगवान नहीं होता है, ये लोग कहे कि जी हुजूर आप ही भगवान हमारे हैं, बाकी इधर कम लोग हैं जो गुरु मारे। अब फिर लफड़ा होगा, ये जो गुरु वाला पार्ट था इसमें लोग कम गए, कम गए, तो ये लोग एक नया टेक्नोलॉजी लगाया और उसका नाम दिया वज्रयान। एक और सवारी खुला दी टेम्पू, बात ध्यान दो, तीन यान है, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो आगे पाल के समय वज्रयान, ये लोग क्या किए, बुद्ध का सेंटर बनाया और घोषित किए, संडे संडे कोई बीमार आदमी आओ, बुद्ध का नाम लेके हम मंत्र पढ़ेंगे, तुमको बहुत फायदा हो, लकवा मारे हुए तो ठीक हो जाओ। अब बताओ जो आदमी लकवा मारे हुए कहीं नहीं ठीक हो रहा है, तो सोच रहा है एक दिन ट्राई मार लेते, अब वहां भीड़ देने संडे के लग रहा, ये लोग पूरे मंत्र पढ़ रहे हैं, बहुत धर्म का जादू कर रहे हैं, जो गौतम बुद्ध कहे कि चमत्कार नहीं होता है, और एक चमत्कार के लिए लोग अलग सेंटर खोले, एक लाख आदमी में एक आगो भी ठीक हो गया तो पूरा प्रचार कर रहा है, पूछो पूछो इसको चल नहीं हो रहा था, भाई इसको हम ठीक कर दिए, ये मंत्र से ठीक हो गया। तो तंत्र मंत्र और जादू टोना ये जैसे ही आ गया तो उसको हम लोग क्या कहे, वज्रयान। देखो वज्रयान का मतलब है तंत्र मंत्र जादू टोना। पाल के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुला, वहां वज्रयान शाखा के लिए खुला, नालंदा यूनिवर्सिटी खुला किसके लिए, अरे हीनयान के महायान, बोलो कुशल ठीक नहीं लगा रहा है, कितने को लग रहा है हीनयान रे, नालंदा यूनिवर्सिटी हीनयान आ गया, महायान मूर्खवान किताब किसको जरूरत पड़ेगा, हीनयान को कि महायान, बोलो महायान को किताब जरूरत पड़ेगा कि मूर्ति, मूर्ति किताब का मूर्ति ज्यादा, इसको जरूरत मूर्ति नहीं है, क्या है, किताब, बुद्ध गुरु है, जो बोले किताब में लिखा है वही पढ़ना, तो किताबों का संग्रह किसमें होगा, हीनयान, नालंदा यूनिवर्सिटी हीनयान का सेंटर। अब इसमें जरा ध्यान से समझोगे, कनिष्क पहला ऐसा है जिसने बुद्ध को भगवान मान के बुद्ध की मूर्ति निर्माण शुरू कर, तुमसे पूछा जाएगा बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले किसने बनवाया, कनिष्क ने बनवाया। यहां पर एक दिक्कत आई, ब्राह्मण धर्म से जितने गरीब लोग थे ये सब को बौद्ध धर्म तोड़ लिया था, गौतम बुद्ध सबको खींच लिया, क्योंकि ब्राह्मण धर्म बहुत खर्चीला हो गया, हर चीज में यज्ञ करो, लोग हल्काए हुए हैं कि बिलाई मारे हो तो बिल्ली में जितना रोआ है ऊपर बेड़ में उतना खड़ा मिलेगा, भारी पाप, और जब तक जवान है उसे पहलू नहीं दिया, लेकिन जब बुरा हो गया मरने मरने को हुआ तो याद आ रहा है कि बिलाई तुम्हारे हैं, और कहीं ऊपर कांटा भेंट हो गया था तो बेटा को बुला रहा है कि बेटा कोई उपाय करो ऊपर कांटा कैंसिल हो, बेटा एक ब्राह्मण के पास जा रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं बिल्ली मारा बहुत भारी पाप, कोई बात नहीं है वो कैंसिल हो सकता है, एक यज्ञ करना हो, बिल्ली मारे मुक्ति यज्ञ कुछ नाम दे दी, अब उस यज्ञ में इतने लोगों को खिलाना होगा और सोना का बिल्ली बना के ब्राह्मण को दान कर देना होगा, बस सारा कांटा कैंसिल हो जाएगा और एकदम आराम सुख चैन से ऊपर रहेंगे। अब जो आदमी अमीर है ये ट्राई कर लिया, जो गरीब है उसको लग रहा है सोना का बिल्ली उतना पैसा ही नहीं है, बेचारा तड़पते हुए सोच रहा है कि जाने दो कांटे पर सोए, इनका हर चीज खर्चीला है, और गौतम बुद्ध कह रहे हैं बिल्ली मार दिया आओ इधर दस आचरण करो, कोई पूजा पाठ नहीं करना, गद्देदार बिस्तर पर मत सुतना, नीचे सुतना बोरा बिछा, तो जी गरीब है सर बोरे घर है बैठा नहीं, वेरी गुड ये हो गया तुम्हारा, बिना टाइम के भोजन नहीं करना जी, पैसे नहीं है सर, एक टाइम का जुटे करता है, वेरी गुड दूसरा भी हो गया तुम्हारा, सुगंधित पदार्थ का सेवन नहीं करना जी, पाउडर क्रीम साबुन हमें जानवे नहीं करते हैं, वेरी गुड तीसरा भी हो गया तुम्हारा, नृत्य संगीत का त्याग करना जी, म्यूजिक कहां से बजाएंगे सर गरीब आदमी है, वेरी गुड तुम्हारा ये भी हो गया, ये जितना बोले गरीब के पास सब है, और कहे जी यही तो कर रहा है, अरे कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई विदा नहीं करना, सब खाना कैंसिल है, सर डायरेक्ट तुम्हारा सीधा सीधा फिर से तुम्हारा जन्म होगा, अच्छा कर्म कर रहे हो, कोई दिक्कत आई नहीं तुमको, अब बताओ गरीब लोग किधर रहेगा, ब्राह्मण धर्म के बौद्ध धर्म, जितनी भीड़ थी सबको खींच ली, अब ब्राह्मण लोग भी चिंतित कि जा जो कुछ जजमान था दक्षिणा देता वो भी बौद्ध धर्म चल गए, रहता तो कुछ मिलना ही था ना। अब यहां के बाद उन्होंने एक नया स्टेप उठाया और उसके लिए उन्होंने नाम दिया अवतारवाद।
इन्होंने कहा कि विष्णु हमारे अवतार लेते रहते हैं, कभी राम बनके कभी श्याम बनके, और इन्होंने कहा कि हमारे पहला जो भगवान का अवतार था मछली अवतार है, मत्स्य अवतार है, दूसरा कच्छप अवतार है, तीसरा ब्रह अवतार है, चौथा नरसिंह अवतार है, नरसिंह अवतार है, पांचवा वामन अवतार है, छठा परशुराम अवतार है, परशुराम, सातवां राम अवतार है, आठवां कृष्ण अवतार है, और नौवां बुद्ध अवतार है, दसवां कल्कि अवतार होंगे। अब देखो इन लोग एक नया थ्योरी लाए, इन लोगों ने लाया कि हमारे विष्णु अवतार लेके धरती पर आते हैं, और बुद्ध कौन थे पहचानने में लेट हो गए, हमारे विष्णु के ही नौवां अवतार, बुद्ध दूसरा कोई नहीं है, विष्णु के ही नौवां अवतार है, जैसे राम जैसे कृष्ण वैसे बुद्ध, और मंदिर में ही बुद्ध की मूर्ति लगाना शुरू कर दी, जो जो हल्ला करके हिंदू नहीं है बौद्ध धर्म है, इधर पहचानो कौन है, वो गौतम बुद्ध, जल ढारो, जब जल ढारने गया जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं, टीका लगाओ उनको, थोड़ा आरती दिखा दो, प्रसाद चढ़ा दो, और इनको कर दिया नौवां अवतार है, बगल में शंकर जी हमको भी करो थोड़ा, अब देखते देखते इन लोग बेचारे के पता नहीं चल रहा कि हम बौद्ध है कि हिंदू, बोलो बात समझ रहा है, और पूरा बौद्ध धर्म जितना लोग भागे थे वो फिर से हिंदू धर्म में बेचारे शामिल हो, इनके नौवां अवतार से फिर चमत्कार हो, अब इनको पता नहीं चल रहा कि हमारा अलग भगवान है कि वही भगवान का पाठ, अभी लोग अनाउंस कर रहा है कि देखो प्रमाण है, जब मेरे भगवान विष्णु नीचे आते हैं उनके पैर के चिन्ह छप जाते हैं, देख लो गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ है पत्थर में पैर के चिन्ह है, और विष्णु के प्रमाण है नौवां अवतार, देखिए तो ले देखिए, अब तुम्हें बता रहे रोड पर तुमको कोई मारने लग भीड़ लग जाए, और तुम देखा कि भीड़ लगा है, और तुम कह रहे हो मारो मारो मारो, अरे भाई हम डेली खेलते हैं, ले आओ मार, जान के मारा है लेकिन तुम उसको मजाक से कर रहा है, और भीड़ रहेगा कि चल जाएगा कहीं समय कर रहा है, चलो वही चीज है, बौद्ध कह रहा है कि हम हिंदू नहीं है, अरे अरे कहां जा रहा है नौवां अवतार यही ना है, कहां बुद्ध भगवान हमारे पाठ है जी, कहां बदल जा रहा है, यही घास के बेचारा के इधर शामिल कर, तो अब बात देखो अवतार बात जब तुम समझोगे तो तुमको और आश्चर्य हो, ब्राह्मण लोग को बोलने नहीं आया, अगर ठीक से बोलते तो इनको नोबेल प्राइज मिलता, ठीक से बोलते तो नोबेल प्राइज मिलता, ऐसा लोग हंस रहा कि भगवान हमारे मछली अवतार में आए, कछुआ अवतार में आए, ब्राह्मण सूअर अवतार में आए, नरसिंह अवतार में आए, तो इसको लोग सोच रहा कि कौन अवतार है, लेकिन अगर सिस्टमैटिक कर देता कि पृथ्वी पर सबसे पहले विकास जीवन का जो हुआ ये जल में हुआ मछली वही है, फिर जल और स्थल दोनों में हुआ वो कछुआ है, फिर केवल स्थल पर हुआ वह वराह सूअर है केवल स्थल, और तब डायरेक्ट मनुष्य नहीं बना, पशु और मनुष्य मिक्स है, वो नरसिंह है नर और सिंह मिक्स है, अभी डायरेक्ट मनुष्य नहीं बना, फिर नाटक मनुष्य बना है बावन अवतार, उसके बाद थोड़ा बुद्धिमान मानव परशुराम, और बुद्धिमान राम, और बुद्धिमान कृष्ण, पूरा बुद्धिमान बुद्ध, बुद्धियों का इस प्रकार डेवलपमेंट हुआ है, यही चीज डार्विन का नोबेल मिला हुआ, और उससे हजारों वर्ष पहले हमारे ब्राह्मण लोग इसको कहे कहने नहीं आया, लोग हंसा, देखो एकदम सिस्टम ना है, और तुमको सिस्टम खाली सजा देना है, पहले जल फिर जल स्थल दोनों, फिर खाली स्थल, फिर नर और सिंह, फिर बावन, तब परशुराम, फिर राम, उससे समझदार कृष्ण और समझदार बुद्ध, ओके बोलो अवतार क्लियर है सबका, अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है ये चारों बौद्ध संगीति, अभी जस्ट हम लोग लिखेंगे तो नीचे कलम बढ़ाइए बड़ा सा, बौद्ध संगीति हेडिंग दे दिए सब नीचे कलम संख्या ईस्वी शासक सब छोटा छोटा रखना, स्थल अध्यक्ष घटना घटना वाला थोड़ा सा बड़ा रखेगा, और एक एक लाइन में नहीं तीन तीन लाइन, तीन तीन लाइन में लाइनिंग खींचना, तीन से चार लाइन, चार बार ऐसा लाइनिंग खींचेगा, तीन तीन लाइन, खींच दिया सब कोई, चलिए इधर लिख दीजिए प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, कंजूसों के बड़े मारेंगे, तीन लाइन मैंने सही में तीन लाइन दिया, चार हो जाएगा हो जाएगा सब पन्ना बचा के चार लगा, तीन मैंने एकदम तीन पर घेर देगा, प्रथम बौद्ध संगीति लिखे 483 ईस्वी पूर्व शासक लिखो अजात शत्रु, अजात शत्रु स्थान में लिखो राजगीर, राजगीर अध्यक्ष में लिखो महाकश्यप, महाकश्यप, और घटना में लिखो आनंद ने, आनंद ने सूत पिटक, आनंद ने सूत पिटक, और उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, आनंद ने सूत पिटक और उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, आनंद ने सूत पिटक और उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, विनय पिटक का पाठ किया, चलिए नीचे लिखो द्वितीय बौद्ध संगीति, कंजूसमान जितना दूर जगह लिया उतना दूर घेर के तब द्वितीय चला, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व कालासुख वैशाली सर्वकामणी, सर्वकामणी, और निर्णय में लिख दो थेरवाद और महासंहिका का निर्माण, थेरवाद और महासंहिका का निर्माण, थेरवाद क्या है, बिना कोई परिवर्तन के जो बुद्ध के उपदेश को मान रहा वो कौन है, थेरवाद, जो परिवर्तन के साथ स्वीकार किया उसको क्या कहे, महासंहिका, थेरवाद और महासंहिका का निर्माण, थेरवाद और महासंहिका का निर्माण, थेरवाद और महासंहिका का निर्माण, तीसरा नंबर लिख दीजिए 250 ईस्वी पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति
ढाई सौ ईस्वी पूर्व, ढाई सौ ईस्वी पूर्व अशोक स्थान में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र अध्यक्ष में मोगलीपुत तीस, मोगलीपुत तीस, मोगलीपुत तीस, मोगलीपुत तीस। और इधर लिख दीजिए अभिधाम पीठक की रचना, अभिधाम पीठक की रचना, अभिधाम पीठक की रचना। चलिए नीचे लिखो चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति लिख दीजिए। इसमें ईसा के प्रथम शताब्दी, ईसा के प्रथम शताब्दी, ईसा के प्रथम शताब्दी शासक में लिखो कनिष्क, कनिष्क स्थान में लिखो कुंडल वन काश्मीर, कुंडल वन काश्मीर अध्यक्ष में लिखिए वसुमित्र, वसुमित्र, वसुमित्र। और कार्य में लिख दीजिए बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म हीन यान और महायान में विभाजित, बौद्ध धर्म हीन यान और महायान में विभाजित, हीन यान और महायान में विभाजित, हीन यान और महायान में विभाजित। बोलो जी इतना एकदम क्लियर है सबका? नीचे लिखो हीन यान लिख रहे, हीन यान लिख रहे, हीन यान लिख रहे। बोलो हीन यान में क्या माने बुद्ध को? गुरु। डैश लिखो बुद्ध को गुरु माने, हीन यान डैश लिखे बुद्ध को गुरु माने, बुद्ध को गुरु माने। नीचे महायान लिख रहे, महायान लिख रहे बुद्ध को भगवान माने, बुद्ध को भगवान माने। वज्रयान लिख रहे, वज्रयान लिख रहे तंत्र मंत्र और जादू टोना का प्रभाव, तंत्र मंत्र और जादू टोना का प्रभाव, तंत्र मंत्र और जादू टोना का प्रभाव, जादू टोना का प्रभाव। चलिए तो ये आपका इतना सिस्टम हो गया। कल की क्लास में पूरा फिर हिस्ट्री में बौद्ध धर्म कल कंप्लीट